क्या ये ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी कहने के लायक है? ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी नहीं है, बेसिकली ये हॉलीवुड का और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है ना, उनका मिक्सचर है। ये शाहरुख खान ने जो मूवी बनाई है ना जवान, ये अपने जो बेटे का केस था ना, उसने बुनियादी तौर पे उसने बदला लिया है निजाम से, इंडिया के निजाम से। के बेटे से जो भी बदला लेना है पहले बाप से बात कर। तो एक ऐसी फिल्म जिसमें उसने रिलीजन बेचा है, हुब्बुल वतनी बेची है, तो ये तो जो मोदी का इंडिया है उसमें तो बहुत पॉपुलर है। ये दोनों की जो उसके दोस्त है ना सर सलमान खान ने इसको इंतहा से ज्यादा तारीफ पर रखी है फिल्म की। कुछ और लोग भी आएंगे, सेलिब्रिटीज आएंगे कुछ बॉलीवुड की, जो उसकी तारीफ करेंगी। पठान के साथ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, इसके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हुई। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, मेरा ख्याल मेरी जाती राय है प्रेडिक्शन करनी चाहिए, लेकिन ये गदर 2 को काट देगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बुशरा भट्ट, आप देख रहे हैं गॉसिप शॉर्ट्स। नाज़रीन जिसको देखो सिर्फ और सिर्फ जवान के ट्रेलर के बारे में बात कर रहा है। ये जवान का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया, लेकिन क्या ये ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी कहने के लायक है या नहीं, आज की वीडियो में जानते हैं। जवान का ट्रेलर आ गया, सबने देखा, सबको तो अच्छा लगा, आपने भी देख लिया होगा, आपको कैसा लगा है? अच्छा ट्रेलर है, बहुत अच्छा है। बेसिकली ये हॉलीवुड का और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है ना, उनका मिक्सचर है, क्योंकि ऐसे लग रहा था ये मतलब कुछ अलग दिखाया जा रहा है। म्यूजिक भी पीछे इसका था, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था, एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है, ग्राफिक्स अच्छे हैं। बेसिकली ये शाहरुख खान ने जो मूवी बनाई है ना जवान, ये अपने जो बेटे का केस था ना उसको, ये उसकी वजह से बनाई है, उसने बुनियादी तौर पे उसने बदला लिया है निजाम से, इंडिया के निजाम से। अच्छा, जो हम लास्ट में एक डायलॉग सुनते हैं कि बेटे से जो भी बदला लेना है पहले बाप से बात कर, तो इससे रिलेट कर सकता है? बात है, वो उसकी तरफ इशारा है, बाकायदा इशारा है, उसके बेटे के साथ जो उन्होंने किया, तो उसका तो कहना यही है ना कि जी मेरे खिलाफ रिवेंज था, और ये रिवेंज पे बनाई गई कहानी है, बदला है। और आप ये देखिए कि अब जो 4 साल बाद कमबैक किया था ना इसने शाहरुख ने, उसका सबूत दे रहा हूँ बात कर, ठीक है? 4 साल बाद कमबैक किया शाहरुख, किससे किया? पठान से। एक ऐसी फिल्म जिसमें उसने रिलीजन बेचा है, एक ऐसी फिल्म जिसने उसमें हुब्बुल वतनी बेची है, ठीक है? और इसमें भी हुब्बुल वतनी टाइप चीज है कि वो मेट्रो ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया जाता है, उसकी मिसाइल है। तो ये तो जो मोदी का इंडिया है उसमें तो बहुत पॉपुलर है, ये दोनों क्या कहते हैं टॉपिक कहने हैं जो भी कहने हैं, तो पॉपुलर है, तो इस लिहाज से वो ठीक खेल रहा है अपने उसके करियर के आखिरी लम्हात में है, और वो बेहतरीन छक्के मार रहा है, वो आखिर उसे ट्रैक मिल गया, उसे ट्रैक पर जाएगा वो। ओके, मतलब जो लोग कह रहे थे इसे रिलेट कर रहे थे, ये वाकई ऐसा है कि उसने अपने बेटे के केस को इसमें किया है। ना वो बदले कहानी बदले की है ना, अमिताभ की भी एक ऐसी फिल्म आई थी, वो भी ऐसी थी बदले की कहानी, उसमें भी डबल रोल कहानी है। हाँ, उसमें डबल रोल है, डबल रोल है, पता नहीं क्या कहेंगे, ये तो बाप बेटा है ना, बाप बेटे की कहानी जो अभी तक खुल के हमारे सामने आई है थिएटर में, लेकिन इसके 5 रूप तो दिखाए गए हैं ना। इसका जो पोस्टर रिलीज हुआ था, जो मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था, उससे 5 रूप खान के दिखाए गए थे। अच्छा ठीक है, इसके बाद मुझे बताएगा जो हम देखते हैं, जो करण जौहर ने कहा था जिसको कि ये ट्रेलर वो इसको की दोस्ती है, देखिए करण जौहर की दोस्ती है, करण जौहर के कुछ और भी ताल्लुकात है, वो यहाँ पे बयान करने नहीं है, ठीक है? SRK से ताल्लुकात है उसके, ये उसने सिर्फ ऐसे ही बड़क से मार दी थी। अच्छा सवाल भी तो 3-4 दिन बाद उसका ट्रेलर भी आ रहा है, अब आप ये नहीं जज कर सकते हास्को का है, क्योंकि उसी भी बात पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गालियां पड़ रही हैं कि भाई ये बहुत अच्छा ट्रेलर है, बहुत अच्छा ट्रेलर है, लेकिन ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी नहीं है। अब अगर सालार का ट्रेलर भी बुरा आता है तो फिर उसे बड़ी गालियां पड़ेंगी, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिक है, करण जौहर ने ऐसे ही बयान नहीं दिया था, ऐसी एक वजूहत है इसकी। इसकी वजह यह है कि याद होगा हमने तो बात की थी कि जो उसकी ये पठान कामयाब हुई है ना शाहरुख खान की, और उसके बाद आ रही है जवान। जवान में जो प्रमोशन की इसकी ये प्रमोशन की स्ट्रेटजी बनाई है ना, इसकी प्रमोट करने के लिए को वो स्ट्रेटजी है कि प्रमोशन नहीं करनी, उसने सारा फोकस किया है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहा है, किंग खान बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है, आस्क SRK उस ट्रेंड चलाता था, लोग से सवाल करते थे, ठीक है? उसने इसका पहला पोस्टर या कोई ऐसी चीज़ भी इस पर रिलीज की, ट्विटर पर रिलीज की थी ना, मेन स्ट्रीम मीडिया से वो दूर रहा, इस ये प्रमोशन का हिस्सा था। उसकी वजह ये थी कि अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके धड़ाधड़ इंटरव्यूज देगा तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती थी, कोई ऐसी बात जिसे कोई अपनी तरफ से मतलब निकाल लिया जाता और उसके लिए मसाइल क्रिएट हो जाते, तो उसने ये काम नहीं किया। तो उसको उसने दूसरा जो स्ट्रेटजी अपनाई वो ये की कि जो उसके दोस्त है ना सर सलमान खान ने इसको इंतहा से ज़्यादा तारीफ पर रखी है फिल्म की कई माह पहले, फिर करण जौहर ने ये कर दिया। अभी उसके अभी एक हफ्ता बाकी है रिलीज में, आप देखिएगा कुछ और लोग भी आएंगे, सेलिब्रिटीज आएंगे कुछ बॉलीवुड की, जो उसकी तारीफ करेंगी। ये उसकी स्ट्रेटजी है प्रमोशन की, वैसे प्रमोशन की स्ट्रेटजी क्या है, लोग प्रमोशन, लेकिन ऑन
मेन स्ट्रीम ठीक है, वो डिजिटल मीडिया पे किया है उसने, सोशल मीडिया पे किया है, वही उसकी स्ट्रेटेजी और कामयाब रही और दोस्तों से अपनी उसकी तारीफें करवा रहा है और खुल के तारीफें करवा रहा है। यही हम इस फिल्म की जो है हम स्ट्रेटेजी की बात करने वाले थे कि आखिर इसके पीछे क्या है, लेकिन वो आपने बता दिया कि प्रमोशन ही नहीं करनी ना, ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी है वही है। अच्छा मुझे बताइएगा जो इसके फिल्म पठान है और जवान, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इतनी बुनियादी तौर पर फिल्म से हट के डिफरेंस पता क्या, फर्क ये है कि पठान के साथ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, पठान की कंट्रोवर्सी, इसके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हुई। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, उस कंट्रोवर्सी की वजह से जो पूरे मुल्क में मुसलमान लोग चीखते थे, पहले वो क्या कहते हैं हिंदू कम्युनिटी चीखती थी, इसको मुसलमान भी चीख खड़े थे, जो जाफरानी कलर के ऊपर एक पूरा मसला हुआ आपको याद ही होगा, उससे हाइप मिल गई थी फिल्म को, हर बंदा डिस्कस कर रहा था पठान को, उसकी वजह से वो कामयाब हो गई। फिर मोदी साहब ने एक बयान दिया था खान साहब के हक में और सारे सिंधे होके रह गए थे, क्योंकि उसमें जारी बात अबुल वक्त का चूरन बेचा गया था और वो होता, लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई, ये नेगेटिव पॉइंट है जवान का, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि शाहरुख खान की जो पठान मूवी थी वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, 1,000 करोड़ इंडियन रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया है, तकरीबन 3-4 हज़ार करोड़ पाकिस्तान रुपए उसने बिजनेस किया है। तो इतनी बड़ी कामयाब फिल्म के कुछ ही अर्से बाद एक और फिल्म का आ जाना, ये प्रमोशन के लिए काफ़ी है उसकी, मतलब अभी तो उसी की सब नहीं थी, अभी फर्क है, हाँ अभी तक लोगों के जहन से बहव नहीं हुई नहीं थी, तो ये आप कह सकते हैं कि ये उसका क्या कहते हैं फायदा होगा उससे, पठान का फायदा जवान को जाएगा। अच्छा मुझे बताइएगा आपको क्या लग रहा है, जवान 20,000 करोड़ जो क्लब है उसको पार कर जाएगा? ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, बोला जो भी तो लाभ है ना, बिल्कुल नहीं लग क्या रहा है, जैसे उसका प्रीमियर कार ट्रेनर कह रहे हैं कि 70-80 करोड़ का जो बिजनेस है ना ये लेके चल रही है साहब, अभी एक हफ्ता है ना, अगर एक हफ्ते का मार्जिन निकाल दीजिए तो जब रिलीज होगी ये 70-80 करोड़ जेब में डाल कर बिजनेस पहले ही हो चुका होगा एडवांस बुकिंग की मदद और चीज़ों की मदद में, तो ये अच्छा बिजनेस करेगी मेरा ख्याल, मेरी जाती राय है, प्रेडिक्शन करनी चाहिए लेकिन ये गदर 2 को काट जाएगी। अच्छा ये मेरी जाती राय है, हो सकता है पठान को भी काट जाए लेकिन गदर 2 को तो यार मेरी बात लिखने काट जाएगी। इन दोनों का मतलब कॉम्पिटिशन जो है वो सख्त होने वाला है, क्योंकि जैसे हम ट्रेलर देखते हैं इसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके ऊपर फिल्म के गाने वगैरह जो गाने का म्यूजिक आप करते हैं वो फारिग, बिल्कुल पे लोग जो तनकीद कर रहे थे वो गाने पूरी हो कुछ भी नहीं है ना बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक एक अलग चीज़ है बिल्कुल, और सॉन्ग्स का अच्छा होना वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेलर किया था बहुत अच्छा है, एडिटर कुछ आवाज है, म्यूजिक बनाने वाले कुछ आवाज है, सारा कुछ सबको, फिल्म में कैसा होगा अभी ना आप कह सकती है ना मैं कह सकता हूँ, हमने फिल्म नहीं देखी लेकिन उसके गाने फारे वाले से, तो ये ड्रॉबैक है फिल्म का बहुत बड़ा। ठीक है अच्छा बहुत शुक्रिया आपका, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि इनको भी ट्रेलर देख के काफ़ी मज़ा आया, इस तरह आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा यकीनन। आपको लेकिन जवान का ट्रेलर कैसा लगा आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।